नमस्कार, एटी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं यशमीन। क्वासी से श्रीनगर में मूसलाधार बारिश ने ढाया कहर, लोग घर छोड़ने को हुए मजबूर। दो पक्षों की हुई मारपीट में कई घायल, चले लाठी डंडे और लात घूंसों की हुई बरसात। बम्बा फूट जाने से मकानों में भरा पानी, लोगों में दहशत, आक्रोशित लोगों ने लगाया जाम। दवाओं के ऑनलाइन व्यापार पर रोक लगाने को लेकर सरकार से की अपील। घनी आबादी में दिखा मगरमच्छ, सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद, लोगों में दिखी दहशत। शरारती तत्वों ने हनुमान जी की मूर्ति पर पोती का लिख, लोगों में रोष। अब बुलेटिन विस्तार से। अलीगढ़ थाना कोर्सी क्षेत्र के श्रीनगर कॉलोनी के बराबर से गुजरने वाला नाला बारिश के चलते ओवरफ्लो हो गया और नाला कटने से श्रीनगर कॉलोनी में दर्जनों घरों की पहली मंजिल डूब गई। लोगों ने भरे पानी के मकान में से अपने बच्चों और परिजनों को बाहर निकाला। इसकी सूचना पुलिस व नगर निगम अधिकारी को दी गई, लेकिन वो लोग समय पर नहीं पहुंचे, जिसे देख आक्रोशित होकर लोगों ने वहां जाम लगा दिया। वहीं देरी से पहुंचे अधिकारियों ने जाम लगा रहे गुस्साए लोगों को समझा बुझा कर शांत किया, लेकिन इस दौरान बाईपास पर वाहनों की दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें लग गई थीं। करीब एक घंटे तक नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने जाम को खुलवाया। वहां के पार्षद ने कहा कि कई बार नगर निगम को लिखित में शिकायत की है कि बरसात से पहले इस नाले की पटरी को ठीक करा दिया जाए, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसका खामियाजा आज यहां के लोग भुगत रहे हैं। बरसात लगातार जारी है, जिसके कारण यहां घरों में पानी भर गया है, सड़कें नाले बन गई हैं, वहीं लोग दहशत में हैं। लोगों के घरों में घुटने के ऊपर पानी है, सारा सामान डूबकर खराब हो चुका है, घरों की छतें व दीवार गीली हैं, कब्रों के फर्श तक हट गए हैं। एक बुजुर्ग तो अपने घर के पानी में डूबा नजर आ रहा है, जो साहब से मदद मांगते नजर आया। बड़ी मुशक्कत से पानी में डूबे लोग अपने घरों का सामान निकाल रहे हैं। दहशत में लोग बारिश में ही खुले आसमान के नीचे बाहर रहने को मजबूर हो रहे हैं। लगातार हो रही इस बारिश ने ओवरफ्लो होकर नाला काट दिया है, जिसके कारण क्वारसी स्थित श्रीनगर कॉलोनी में दर्जनों घर डूब गए हैं। पुष्पा, किस तरह की समस्या आती है, कौन सा एरिया पड़ता है, क्या समस्या है इस समय? ये श्रीनगर बाईपास रोड और क्या कहते हैं, जे हमारी सड़क कट जाती है, पूरा बम्मा कट जाता है और पानी है का सब घन में बढ़ता है। किस तरह की समस्या आती है? क्या कहते सब नाच पानी सब पलट जाते हैं, कपड़े लते सब, और क्या कहते वहाँ में क्या कहते कोई सुनवाई नहीं करता, फोन करते हैं कोई नौका देता है, क्या कहते इसे बंद करने दो, एक बार बोरी वाल डाल जाते हैं, क्या कहते जिन्हें डम फला ना खूँ उससे का पानी रुक रहा है। निगम में आपने शिकायत की है, क्या आश्वासन मिला? करिए, पिछली पोती सफा साथ आए, क्या मानते हैं लापरवाही है? अब ये दो ट्रॉली मट्टी डरवाएगा, फिर कोई झांकी में नहीं आयो, तो क्या मानते हैं साल भर का आप इकट्ठा करके रखते हैं सामान और वो एक दिन में खत्म है जाता है? पिछली पोतू क्या कहते पानी भर गो तमाम, क्या कहते वहाँ में नाच बेकार रह गो, पोन को डारो गाय न को, ऐसे ही अब की बार है रो। राजू भाई, किस तरह की समस्या आई और क्या आपने लिख के दिया था नगर निगम को? जी, नगर निगम को कई दफे लिख के दे चुके हैं सर हम, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। पुलिस वालों को अभी लिख के दिया है, ये मतलब बम्बा कट जाता है, हर साल कटता है सर। मैंने पिछले साल ही कर्जा लेके ये मकान बनाया है, अभी मेरा कर्जा भी नहीं निकल पाया है। मजदूर आदमी हूँ मैं, 400 रुपये कमा के लाता हूँ और छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, मैं कैसे कैसे गुजारा वो जो मतलब कर रहा हूँ मैंने मकान, अभी कर्जा भी नहीं निकला है, मतलब वो जो मतलब बना के पिछले साल ही खड़ा किया है। ये बम्बा हर साल कटता है, हर साल। अब फिर कट गया? जी, आज फिर कटा है साहब, लेकिन मतलब मैं डूबते डूबते बची गया हूँ, पड़ोसियों ने निकाला है मुझे उसमें से। अभी मैंने सर को भी दिखाया था और कितना पानी भरा हुआ है, मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँ क्या करूं, सरकार तो कोई सुनती नहीं है मेरी। जी, सरकार की मानते हैं सर हम, सरकार की, हर साल कटता है, जरा एक एक दो ट्रॉली भेजी डलवा दी बस हो गया। आप सब नगर निगम का अधिकारी कुछ नहीं करते? नगर निगम के मतलब अधिकारी एक आध ट्रॉली मिट्टी की भेज देते हैं, क्वारसी चौड़ाए का जितना भी पानी मतलब नाला है वो मतलब सब इसी में आता है, वो इसीलिए हर बरसात में हमारे सामने ये मुसीबत खड़ी होती है, हर साल होती है, हर साल में सरकार से कई दफे गुहार लगा चुका हूँ, पुलिस में भी कहा है मैंने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। अब बताइए, आप ही बताइए मैं क्या करूँ, मर जाऊँ
क्या करूं। कितने फीट पानी भर गया आपके घर में? जी 8 फीट तो मौजूद है, मैंने अभी दिखाया भी है सर को, मेरे सर से ऊपर उतर रहा है पानी, बताइए मैं क्या करूं। किस जगह पानी भरा हुआ? मेरा इतना है नीचे मेरे बेसमेंट में भरा हुआ है जी। कौन सी जगह बोली जाती है? ये श्रीनगर है, श्रीनगर पथवारी गली नंबर 4 है साहब, गली नंबर 4 पथवारी के पास ही है सर। मामला अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र के गांव कचरौट का है, जहां दो पक्षों में लाठी डंडे चल गए। देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया। दिन निकलते ही ग्रामीणों के बीच उस वक्त अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई, जब गांव के अंदर बीच सड़क पर दो पक्षों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आए। लड़ाई झगड़े का तमाशा देखने के लिए गांव के सभी लोग एकत्रित हो गए। वहीं बीच बचाव करने वाले लोगों के साथ भी मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि कहासुनी के दौरान झगड़ा हुआ, जिसने विवाद का रूप ले लिया, लाठी डंडे तक चल गए। देर तक चली इस मारपीट में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वही मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा। सर जी, ये लड़का हमारा चाचा का लड़का शौचालय के लिए गया था, और ये मरा जाने को उन्होंने छोड़ दिया है। करीब 25-30 आदमी थे, और बाद में हम गए तो जैसे जैसे एक एक हमारे परिवार के जो गए हैं उनको सबको मारते गए। किस बात को लेकर हुआ झगड़ा? बच्चों के बाद हो गया, उसी के पीछे इन्होंने फिलहाल बना लिया। रात को सुबह 25-30 आदमी अपने इकट्ठे होते हैं हमारे बकराई। लगभग कितने लोग घायल हैं? हमारे तो करीब 6 लोग घायल हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। ग्राम कजरौर थाना इगलास से दो पक्षों के बीच मारपीट की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायलों को हॉस्पिटल भर्ती कराया गया तथा 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, शेष वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। अलीगढ़ के थाना क्वारसी बाईपास रोड स्थित राजीव नगर में नगर निगम की लापरवाही देखने को मिली, जहां बम्बा फटने से आसपास पानी भर गया और मकानों के भीतर भी पानी घुस गया। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। वहीं नगर निगम की लापरवाही को लेकर आक्रोशित लोगों ने जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया और लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया। लेकिन उससे पहले 4 घंटे तक जाम लगने के बाद भी कोई प्रशासनिक और नगर निगम अधिकारी नहीं पहुंचा था, जिससे जाम लगे होने पर आने जाने वाले लोगों और जाम लगाने वाले लोगों के बीच नोकझोंक भी हो गई थी। इस दौरान लंबे समय तक खड़े रहे जाम में लोगों ने अपने दूसरे रास्ते को ढूंढा और वहां से वापस लौट गए, और कुछ लोग वहीं रास्ते पर खड़े रहे और जाम खुलने का इंतजार करते रहे। इस दौरान जाम में खड़े लोगों से जाम लगाने वाले लोगों के बीच नोकझोंक देखने को मिली, लेकिन इस हंगामे और जाम के बाद भी घंटों तक कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां नहीं पहुंचा था, जिससे लोगों में आक्रोश पनप गया। हम सरोजा में राजीव नगर में रहती हूँ। अच्छा, ये जाम लगा रखा है, क्या है पूरा मामला? जाम इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये सारे पानी भर गया है। पीछे हमारा मकान था, वो गिर गया, अब ये आगे वाला ये सब बैठा जा रहा है। अब बताओ मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ? अच्छा, नगर निगम से? नगर निगम पे सुबह फोन करा, किसी ने नहीं सुना। उससे 15 दिन पहले भी पार्षद से पूछ किया है। उनकी विचारों की क्या करते, उन्होंने कहा था हम कर देंगे, लेकिन उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही। पार्षद की भी कोई गलती नहीं है, पार्षद की सुनवाई नहीं हो रही है, किसी नहीं सुन रहे हैं भैया। अच्छा, जिस चलते यहाँ टोल के विधायक भी हैं, क्या उनको जानकारी है इस बात की? नहीं नहीं नहीं, हमारी कोई जान पहचान नहीं है उनसे, कोई अधिकारी वगैरह कोई। अब उन्हें पार्षद ने फोन करा तो उन्होंने फोन नहीं उठाया है। अब आप ये क्या चाहते हैं इस मामले? हम तो ये चाहते हैं कि भैया यहाँ का ये सड़क वड़क बन जाए, बम्बा जो है ये सही हो जाए। हमारी नाली टूटी है, उसमें नाली में भी कराएं और ये सब पानी निकलवाएं। और भैया हमारा जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना दें। हम कहाँ पे लेके जाएं अपने बच्चों का? पीछे कमरा था वो हमारा गिर गया, यहाँ पे आए, यहाँ पे भी यही हाल हो रहा है। बताइए क्या करें? अच्छा, ये आज जाम लगा रखा है, क्या मामला है आपका? इसका मामला ये है, संविधान में मैंने नगर आयुक्त जी को लेटर दे रखा था बम्बा सफाई के लिए, और इसका सुदृढ़ करेंगे जिससे कि पानी ना जाए कॉलोनी में, परंतु उसकी सुनवाई नहीं हुई। 4-5 दिन पहले एक बार फिर बम्बा टूट गया था, यहाँ फॉर्मेलिटी करके छोड़ दिया गया। बार बार नगर निगम को अवगत कराने के बाद भी इसको ठीक तरह से सही नहीं कराया गया, जिसके कारण आज बम्बा टूट गया और पूरे जो मकान थे अधिकतर जलमग्न हो गए और जानमाल का खतरा उत्पन्न हो गया। सारे मकान टूट चुके हैं, जिसके कारण खून पसीने की कमाई आज हमारी आंखों के सामने टूट रही। ये प्यारी जनता जो हमारी है, जो हमें वोट देकर हमें यहाँ तक पहुँचाती है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाती है, आज यह अपने मकान के लिए, अपने आवास के लिए परेशान है।
मैंने बकायदा एक लेटर लिखा था नगर आयुक्त के नाम पर संबोधित करते हुए, उसके बाद टीपी सिंह जी से और कई अधिकारियों से मेरी बात हुई, सात अधिकारी से भी बात हुई है। आज दो घंटे लगातार फोन करने के बाद भी अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, जिसका कामयाजा ये है आज हमारा ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। श्रीनगर के साथ साथ टेलीफोन कॉलोनी में यहाँ का पूरा पानी श्रीनगर और टेलीफोन कॉलोनी होते हुए पूरी कॉलोनी जलमग्न हो जाती है और यहाँ से गंदा परेशान है। जो बेसमेंट है वो डूब चुके हैं, अधिकतर उसमें पानी जा रहा है। आज पूरे जब जीवन आदमी मेहनत करता है और वो मकान बनाता है, आज वो मकान टूट रहे हैं, उनके बिल्डर से पूछे, आज वो खून के आंसू रो रहे हैं। अलीगढ़ के एक होटल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश के केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन के महासचिव सुरेश गुप्ता ने कहा कि दवाओं का ऑनलाइन व्यापार जनहित में नहीं है, इससे ग्राहकों तक नकली दवाएं पहुंचने की संभावना ज्यादा है। कहा कि दवाओं का स्थानीय बाजार भी प्रभावित है, सरकार इस पर जल्द से जल्द रोक लगाए। बीते दिन अलीगढ़ पहुंचे महासचिव ने दवा कारोबारियों से डॉक्टर के पर्चे के बिना दवाओं की बिक्री न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आजकल लोग नशे की दवाएं आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। कहा कि नशा उन्मूलन में सरकार ने फेडरेशन का भी सहयोग लिया है और संस्था इस पर लगातार कार्य कर रही है। जो हमारी CDFUP है, CDFUP के महामंत्री जी सुरेश गुप्ता जी का प्रदेश का दौरा चल रहा है और वो हर जिले में अपना दौरा करके अपनी जो उनके जो कमेटी है उसको जागरूक कर रहे हैं कि जो सरकार है या माननीय सरकार ने तो जो नियम, जबकि सरकार को पहले बतानी चाहिए थी कि हम ये प्रोडक्ट बंद कर रहे हैं, फौरन एक दिन पहले मैसेज आ गया और सरकार ने वो नियम लागू कर दिया, कायम गलत है। क्योंकि हमारे जो होलसेल भाई हैं या रिटेल भाई हैं उन पर आज की डेट में भी जो आइटम बंद किए हैं मॉलिक्यूल उस पर करोड़ों रुपए का स्टॉक हमारे यहाँ डम पड़ा हुआ है जो नहीं बिक रहा। और एथिकल जो बड़ी कंपनी वो तो वापस ले रही है, पर जो जेनरिक कंपनियाँ हैं वो एक नेट रेट पे कम रेट पे माल देती हैं, उनका माल कंपनियां वापस नहीं ले रही हैं, जिससे हमारी जो केमिस्ट भाई हैं उनको बहुत पीड़ा है। निर्णय यही है कि हम लोग कंपनियां मांग कर रहे हैं सब माल वापस लें, या कंपनियां हाई कोर्ट गई हैं, कोर्ट गई हैं, कोर्ट में बहुतरी कंपनियों को आदेश मिला है कि आप उस पुराने माल को बेच सकते हैं। देखिए केंद्र सरकार जो है पूरे देश में नशा उन्मूलन के ऊपर कार्यक्रम चला रही है, सभी राज्यों को निर्देशित किया है कि जो दवा व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी इस पूरे अभियान में शामिल किया जाए। मेरा नाम सुरेश गुप्ता है, केमिस्ट एंड ड्रग्स फेडरेशन उत्तर प्रदेश का मैं प्रादेशिक संस्था का महासचिव हूँ। मैं लगभग 35 जिलों का दौरा कर चुका हूं। आज अलीगढ़ में इसलिए आगमन हुआ कि मैं अपने पदाधिकारियों के माध्यम से जितने दवा व्यवसायी हैं सबको इस बात के लिए निर्देशित करना चाहता हूं कि जो भी नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है उन दवाओं की बिक्री पूरी तरीके से डॉक्टर के पर्चे पर ही किया जाना चाहिए, और वो पर्चा जो पर्चा लेटेस्ट हो, ना कि पुराना हो। ऐसा ना हो कि वो पर्चा जो है महीने दो महीने तीन महीने पुरानी हो और उस दवा को खरीद कर और लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसा कि आपको भी विदित है कि उन दवाओं का नशे में इस्तेमाल किया जाता है, पहले दवाइयां बहुत गिनी चुनी दवाइयां थी, आज ये दवाइयां जो है इसके हजारों ब्रांड जो है दवा बाज़ार में उपलब्ध है, उसमें चाहे आप एल्प्रोजलम की बात करें, चाहे निटेजापाम की बात करें, क्लोरजापाम की बात करें, वैसी दवाइयाँ हैं जो आज कॉमन डिजीज में डॉक्टर द्वारा लिखी जाती है। किसी को एंजाइटी है तो उसको लिखा जाता है, किसी को हार्ट डिजीज है उसको लिखा जाता है। तो ऐसे दवाओं का विक्रय पूर्ण रूप से हम सिर्फ डॉक्टर के पर्चे पे दें, ऐसा हम लोगों ने दिशा निर्देश अपने पदाधिकारियों के माध्यम से किया है। आज की बैठक में हमारे जिलाध्यक्ष आलोक वार्षणेय जी और सचिव जो है राजीव सिंह जी और पूरी टीम हमारे यहाँ पर आज मौजूद है, उनके माध्यम से हमने इनको निर्देशित किया है कि सभी सदस्यों को एक निर्देश जारी किया जाए कि कोई भी NDPS मॉलिक्यूल बिना डॉक्टर के पर्चे के ना बेचा जाए और न इन दवाओं को बिना पर्चे से खरीदा जाए। मामला अलीगढ़ जट्टारी गांव करनपुर का है, जहां शरारती तत्वों द्वारा हनुमान जी की 5 मूर्तियों पर कालिक पोती गई। वहीं इस घटना की जानकारी होने के बाद क्षेत्रीय लोगों में रोष व्यक्त हो गया।
बता दें करनपुर गांव में प्राइमरी स्कूल व संजय चक्की वाले के पास आदि स्थानों पर 5 हनुमान जी के मंदिर हैं, जहां शरारती तत्वों द्वारा मूर्तियों को कालिक से पोत दिया गया था। वहीं गांव के लोग बीते दिन सुबह के समय हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने आए तो मूर्तियों को कालिक से पुता देखा। ये देख सभी हैरान हो गए और इसकी सूचना आनंद फानंद में पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया और मौके पर पहुंची पुलिस ने मूर्तियों पर हनुमान जी को चोला पहनाकर सामान्य कराया। वहीं ग्रामीणों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दे दी है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कार्रवाई में जुट गई है। मेरा नाम सूरज है भाई। गांव का नाम? गांव का नाम करनपुर है, अजियापुर डेयरी के पास। अजियापुर डेयरी के पास क्या मामला हुआ था भैया? भैया रात में मंदिर पे अटका है, कोई ग्रीस और कारी तेल से पोत गया है और उसके लिए हमने भैया पुलिस थाने में भी सूचना दी है, पुलिस वाले भी आ गए और भैया बजरंग दल वाले भी भाई आए भाई यहाँ पे हमारी सपोर्ट करने के लिए। आज दिनांक 11 जुलाई 2023 को थाना टप्पल क्षेत्र के ग्राम सलाहपुर से सूचना प्राप्त हुई कि किसी असामाजिक तत्व द्वारा गांव में स्थित एक धार्मिक स्थल पर कुछ काली इत्यादि पोत दी गई है। इस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर जन सहयोग से वहां के स्थल की सफाई करवाई गई तथा तहरीर प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मामला अलीगढ़ नई बस्ती बन्ना देवी थाना इलाके का है, जहां घनी आबादी के इलाके में एक मगरमच्छ को गलियों में टहलते देखा गया, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आबादी वाले इलाके में मगरमच्छ को टहलता देख लोगों में दहशत फैल गई। लोगों द्वारा जिला प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन बावजूद इसके किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली। फिलहाल वहाँ के लोग भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं। एकदम आओ नानी। आ गया चुप हो जा। आ गया देखो कैसा आ रहा, देख रहा कितना तेज आ रहा है। ओ पापा नाली पर हाथ नहीं घुसा, हाथ फंस जाता। चुप करी वाली छोटा मोटा है ये, किस किस्म का। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए एटी न्यूज़ इंडिया, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।